This is my partner. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरे से होंगे। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो, इकोनॉमिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको, बेशक ये सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें इम्पोर्टेंट हो या ना हो, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हर किसी को ये बातें लाजमी पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या है, इसको करने का मकसद क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करते हैं जी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स का वर्ड दो ग्रीक लेटर से मिलकर बना है, एक इकोनो जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड, दूसरा मिक्स मिका जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट। तो हाउस होल्ड की मैनेजमेंट का नाम इकोनॉमिक्स है। अब इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री पे अगर नजर डाली जाए, इकोनॉमिक्स कितना पुराना सब्जेक्ट है, तो एडम स्मिथ ने इसकी डेफिनेशन दी सबसे पहले अपनी, उसने एक बुक लिखी वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से। उस बुक में, उस आर्टिकल में इसने डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की दी 1776 में। उसमें उसने कहा जी इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ इन विच वी स्टडी प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। ये चार फेजेस उसने बताए, ये तरतीब इसी तरह ही है। सबसे पहले दौलत प्रोड्यूस होती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होती है, तीसरे नंबर पे कंज्यूम होती है और लास्ट में उसको एक्सचेंज ऑफ वेल्थ किया जाता है, एक हाथ से दूसरे हाथ तबादला उसका होता है। तो ये थी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इसकी हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो ये आइडिया होता है कि ये इतना पुराना सब्जेक्ट नहीं है जितने आपके पुराने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ये जितने पुराने हजारों साल पुराने सब्जेक्ट है उनकी निस्बत इकोनॉमिक्स इज अ क्वाइट न्यू सब्जेक्ट। तो अगर ये सब्जेक्ट इतना ज्यादा पुराना नहीं है बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी चीजें हम सीखेंगे, जो थ्योरीज पढ़ेंगे, जो मॉडल सीखेंगे, वो हतमी नहीं है। आम तौर पे स्टूडेंट्स का ये मानना होता है, ये उनका माइंडसेट होता है कि जो उन्होंने किताब में पढ़ ली या जो उनको टीचर ने पढ़ा दिया उसे वो फाइनल, मरते दम तक कहते हैं कि ये भी हमारे टीचर ने हमें ये पढ़ाया हुआ है, यही बात फाइनल है। इस तरह नहीं है, इकोनॉमिक्स में रद्दोबदल होते रहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स कोई इस तरह लेबोरेटरी में जाके हम एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं रहे जिस तरह आप केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, H2O को मिलाया वो पानी बन गया। यहां पे हम इस तरह लेबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, ह्यूमन बिहेवियर को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ह्यूमन बिहेवियर की साइकी ये है कि वो चेंज होती रहती है। अपना, हमें खुद अपनी गारंटी नहीं दे सकते कि हमारा बिहेवियर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा। तो ये इकोनॉमिक्स भैया ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टडी का नाम है कि इन्फ्लेशन आ गई तो ह्यूमन बिहेवियर क्या होगा, प्राइसेस इंक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई, वो जॉब लेस हो गया, पॉवर्टी आ गई मुल्क में, कोई कैदसाली हो गई है, हुकूमत का तख्ता उलट गया है, इन डिफरेंट सिनेरियो में ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, प्रोड्यूसर बिहेवियर क्या होता है, मार्केट इसकी टाइप्स क्या होती है। अब ये जब इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आया, इससे पहले क्या था इकोनॉमिक्स, ये नहीं कि लोगों को इकोनॉमिक्स के बारे में पता ही नहीं था। इकोनॉमिक्स के बारे में आइडिया था, सभी को आइडिया था असल के इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, पॉवर्टी किसे कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, फर्म किसे कहते हैं, प्रोड्यूसर किसे कहते हैं, कंज्यूमर, ये तमाम बातें लोगों को पता थी। लेकिन इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट आने का मतलब ये है कि इन तमाम टर्मिनोलॉजी को एक अच्छे तरीके से समझा जाए, एक सिस्टमेटिक वे में सीखा जाए और इकोनॉमी की बेटरमेंट के लिए काम किया जाए। 1776 से लेके आज की डेट तक, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी भी मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स इतनी ज्यादा लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जितने भी दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट हैं उसमें डेवलप्ड नेशन के इकोनॉमिस्ट भी हैं और आपके एशिया के भी इकोनॉमिस्ट आ जाते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक अभी तक इसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं, इसको मजीद बेहतर अभी होना है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स का मतलब था कि पूरी दुनिया से इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो खत्म हो जाए। वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है। आप पूरी दुनिया में नजर दोहराएं, ये प्रॉब्लम्स अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है इकोनॉमिक्स को एक बेटर वे में अंडरस्टैंड करने की जरूरत अभी मौजूद है। ठीक हो गया जी, तो ये हो गई इसकी हिस्ट्री। उसके बाद बेशुमार इकोनॉमिस्ट ने डेफिनेशन लिखी, लेकिन एडम स्मिथ ने चूंकि पहली बार इसे पब्लिश किया और उसके बाद ये सिलेबस का हिस्सा बने, एक सब्जेक्ट के तौर पे लोगों को पता चल गया, अच्छा भी इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट होता है, इसी बिना पे एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं।
ठीक है जी। अब एडम स्मिथ की जो थिंकिंग थी, आइडियोलॉजी थी, उसी बातों को और बेशुमार लोगों ने अडॉप्ट किया और वही इदारों में सिखाए जाने लगे चीजें, और उसे ही उसी आइडियोलॉजी को वो समझाने लगे, इंस्टीट्यूट्स में पब्लिश करने लगे। उन तमाम इकोनॉमिस्ट को जो बेसिकली एडम स्मिथ के फॉलोअर्स हैं, उन्हें कहा जाता है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जिसमें जे बी से प्रीटो बताते खुद एडम स्मिथ है, मार्शल एजवर्थ, ये तमाम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में कंसीडर होते हैं। अच्छा जी, 1776 के बाद जो दूसरी ऑथेंटिक डेफिनेशन हमें मिलती है, वो हमें मिलती है एल्फर्ड मार्शल की, ठीक है जी, न्यू क्लासिकल। इसने ट्रेंड चेंज कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि एडम स्मिथ की डेफिनेशन, क्योंकि वो प्योरली वेल्थ पे बेस कर रही थी, इसका मैटर सब्जेक्ट प्योर वेल्थ ही था कि दौलत आपने हासिल करनी है, दौलत पैदा करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो इसने इकोनॉमिक्स की स्कोप को लिमिट कर दिया था। अब जो एल्फर्ड मार्शल की डेफिनेशन है, उसने इसकी स्कोप को जरा वास्ट कर दिया, उसने कहा है कि ये वेल्थ का इलम नहीं है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, तो इसको वेलफेयर इकोनॉमिस्ट का बानी भी कहा जाता है। अब एडम स्मिथ के बाद एल्फर्ड मार्शल की जो दूसरी ऑथेंटिक डेफिनेशन हमें मिलती है, वो 1890 1890 में मिलती है, 1776, उसके तकरीबन 114 साल बाद हमें दूसरी ऑथेंटिक डेफिनेशन मिलती है। तो इन बिटवीन एडम स्मिथ ही छाया रहा है इस पूरे टिन्योर में, तो यहां से आइडिया लगा ले कितना डोमिनेट किया है उसने। अब एल्फर्ड मार्शल की क्या डेफिनेशन है जी, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। अब वेल्थ का वर्ड हटा के यहां पे मैनकाइंड आ गया, तो ये डिफरेंस देख ले जरा। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द सोशल एक्शंस व्हिच आर मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज ऑफ मटीरियल रिक्वायर्ड्स ऑफ वेल बीइंग। ये तमाम उस इंडिविजुअल के उन एक्शंस का, सोशल एक्शन का मुताला करती है इकोनॉमिक्स, जिनका ताल्लुक खास तौर पे इस बात से होता है जो मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड होते हैं विद द अटेनमेंट ऑफ मटीरियल रिक्वायर्ड्स ऑफ वेल बीइंग। मादी फलाहो बहबूद हासिल करने का सबब जितनी भी एक्टिविटीज बनती हैं, उन तमाम एक्टिविटीज को इकोनॉमिक्स डील करती है। अब यहां पे प्राइम ऑब्जेक्टिव वेलफेयर है, मटीरियल वेलफेयर है, वहां पे एडम स्मिथ की डेफिनेशन में था वेल्थ, तो ये डिफरेंस आपको समझ लग गया मेरे ख्याल से। अब एल्फर्ड मार्शल की आइडियोलॉजी, इसकी थिंकिंग और इसकी जो बातें थी, इसी स्नाह में लोगों को वो जो सिखाई जाने लगी बातें, और एल्फर्ड मार्शल के जितने भी फॉलोअर्स थे, उन तमाम को कहा जाता है न्यू क्लासिकल, ठीक है जी, NEW नहीं, न्यू नहीं, NEO, न्यू क्लासिकल। आजकल वो चैनल भी है, जियो था एक, एक तो न्यू भी आया हुआ है, तो ये वही वाला न्यू है। अब जो इसकी डेफिनेशन थी, इसके अंदर भी काफी सारे फ्लॉज थे, लोगों ने इसके बारे में सोचना शुरू किया, क्योंकि इसने मटेरियल वेलफेयर की बात कर दी, हमें तो मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों तरह की वेलफेयर की जरूरत होती है, तो इस पे सोच विचार जारी था। और मीन वाइल कई डेफिनेशन आई होंगी, लेकिन जो ऑथेंटिक डेफिनेशन इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी सिलेबस का हिस्सा बनती है, वो है प्रोफेसर रॉबिन्स की डेफिनेशन, प्रोफेसर लोयनल रॉबिन्स, ठीक है जी। इसने 1935 में ये डेफिनेशन लिखी, और वो डेफिनेशन क्या है जी, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, इसने सोशल साइंस बना दिया, क्योंकि इसमें भी तो हम ये एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं ना, ह्यूमन बिहेवियर को लैब में जाके नहीं कर रहे, लेकिन वैसे ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि डिफरेंट सिनेरियो में इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होती है और इसका रद्देमल क्या होता है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब ये कहता है ये सोशल साइंस है जिसमें हम एंड्स, एंड्स बोलते हैं ख्वाहिशात, ख्वाहिशात चूंकि हर बंदे की लामहदूद होती है, इसलिए उसे ENDS एंड्स भी कहते हैं, ख्वाहिशात लामहदूद, और स्केर्स मीन उन्हें पूरा करने के जराए वो स्केर्स होते हैं, वो महदूद होते हैं, ठीक है जी। अब जो महदूद जराए हैं, आगे एक और प्रॉब्लम है कि उनके यूजेस अल्टरनेटिव होते हैं, तो ये एक ऐसी डेफिनेशन थी जिसने बहुत वास्ट कर दिया इकोनॉमिक्स को, और इकोनॉमिक्स में सिर्फ वेल्थ वेलफेयर नहीं, बल्कि ये तमाम उस इंडिविजुअल की स्टडी का नाम इकोनॉमिक्स है जो सोसाइटी में, इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ख्वाहिशात हर बंदे की लामहदूद है और उन्हें पूरा करने के जराए हर बंदे के महदूद है, ठीक हो गया जी। तो ये डेफिनेशन में हर कैटेगरी के लोग आ जाते हैं, वो बादशाह, फकीर, फुटपाथ पे कोई रहने वाला, जिंदगी बसर करने वाला, कोई लोडिंग अनलोडिंग करने वाला, कोई
ठेला लगाने वाला या कोई वकील डॉक्टर, ये तमाम लोगों के ऊपर अप्लाई होता है। ख्वाहिश आदर बंदे की लामहदूद और उसे पूरा करने के जराए महदूद है। अब जो महदूद राय हैं उनके यूजेस अल्टरनेटिव है। मतलब एक आपके पास अगर पीस ऑफ लैंड है तो उसके यूजेस अल्टरनेटिव हैं। आप वहां पे प्ले ग्राउंड बना सकते हैं, आप वहां पे कोई घर या बिल्डिंग तमीर करके रेंट पे दे सकते हैं, रेंट आपको आता रहेगा। आप वहां पे कोई फसल काश्त कर सकते हैं। तो ये यूजेस अल्टरनेट होते हैं, आपकी अपनी च्वाइस है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अपनी वांट को, अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना। आप उस मेन को यूटिलाइज करेंगे, उस वे से यूटिलाइज करेंगे जिससे आपकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये डिफरेंट थ्री अप्रोचेज मैंने आपको सामने रख दी है, पूरी हिस्ट्री मैंने बयान कर दी है इसमें। उसके बाद वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके बाद कीन्स है, न्यू कनेजियन है, और उसके बाद फिर मोन्टेरिस्ट है, फिर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है। लेकिन ये तीन ऐसी चीजें हैं जो आपको बींग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हर बंदे को पता होनी ही चाहिए। एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ, 1776 में उसने ये बात कही। एल्फर्ड मार्शल, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेलफेयर, मटीरियल वेलफेयर, 1890 में बात की उसने। प्रोफेसर रोबिन्स, 1935, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ये तीन चीजें हैं जी आपके सामने। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दें ताकि ये नॉलेज है, मैं समझता हूँ, हर किसी तक पहुँचनी चाहिए। और इस वीडियो को लाइक कर दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।